हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आज है संडे और डेट है 12 तारीख है और आप सबको हैप्पी संडे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आटा लगाने से। मैं नाश्ते के लिए आटा बना रही हूँ और आज हम बनाएंगे आलू के परांठे, क्योंकि मेरे को का मन है और आज काफ़ी दिनों बाद आलू का परांठा बन रहा है। क्योंकि मैं तो रोटी ही बनाती हूँ अपनी, मुझे रोटी ही पसंद है और आज मैगू बोल रही है तो इसलिए हम आलू का परांठा बना रहे हैं। और मैगू को परसों रात से फीवर आ रहा है, उसको बहुत तेज़ बुखार है और कल डॉक्टर के चेक करवाया था, कल ठीक हो गई थी लेकिन आज सुबह फिर हो गया। तो मैंने उसको अभी 2-3 बिस्किट देकर, थोड़ा चाय देकर उसको मेडिसिन दी है और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। और आलू के परांठे के लिए मैं आटा थोड़ा सॉफ्ट बनाऊंगी, क्योंकि नहीं तो ना परांठा फिर अच्छे से गलता नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। हार्ड में अच्छे से इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। इतना हम आलू छीलेंगे इतना ये सॉफ्ट हो जाएगा। और ये आटा हमारा रेडी हो गया है, इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ये और भी सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद हम अपना आगे का प्रोसीजर करेंगे आलू वगैरह छीलने का। और यहाँ मैं थोड़ा सा सूखा आटा रख दूंगी। और अब हमें आलू का परांठा बनाने के लिए मैं आलू छील रही हूँ, ये ठंडे हो जाएंगे। और इसके अंदर मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस नमक, मिर्च और गरम मसाला, क्योंकि मैगी हरी मिर्च थोड़ा कम ही खाती है। एक छोटी सी हरी मिर्च डाल दूंगी मैं। वैसे डॉक्टर ने इसको मना किया है कि अभी हल्की चीज़ ही खानी है, क्योंकि इसको बहुत तेज़ बुखार था, लेकिन इसका मन कर रहा है तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कम ऑयल का इसको बना के दे दूंगी, क्योंकि इसका मन कर रहा है, जो भी बच्चे का मन करे खाने को। और वैसे भी अब काफ़ी दिनों में हम बना रहे हैं। मैया जी मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, माए डोर हत्ता छड़ी ता मैं कटदी जावांगी। मैया जी मैं तेरी पतंग, बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए, माता तेरा दवारा ए, मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए, माता तेरा सहारा ए, इक तेरे ही भरोसे, इक तेरे ही भरोसे, नी मैं उड़दी जावांगी, माए डोर हत्ता छड़ी ता मैं कटदी जावांगी। मैया जी मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी,
ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਓ ਮਈਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤੰਗ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਵਾਲੀ। मुझे ये वाला भजन बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। स्टार्ट। अब मैं इनको थोड़ा सा मैश कर लूंगी, अभी ठंडे होंगे तो जो मैं स्पून से ही कर रही हूँ इनको अच्छे से मैश कर लूंगी ऐसे फटाफट, क्योंकि मैगी को लग रही है भूख। अभी इसका फीवर थोड़ा सा उतर गया है, ठीक है। जब सुबह उठे थे तो इतना हाई फीवर था, ऐसे हीट निकल रही थी बहुत ज्यादा। वैसे मैं हाथ से ही इसको पेस्ट बना लेती हूँ, लेकिन अब थोड़े से गर्म है। ये आलू मैं रख लेती हूँ दोपहर को, है ना। मैं अभी चने भिगोऊंगी, चने की चाट बनाएंगे तो हम उसमें डालेंगे दो आलू, इनको मैं रख देती हूँ। ओके, ये दो आलू मैंने उठा के रख दिए, दोपहर को मैं जब उसकी वो चाट से बनाऊंगी चने की, ब्लैक चने की, तो उसमें डालूंगी ये प्याज टमाटर सब डाल के बनाऊंगी। तो मैं डाला इसके अंदर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर हल्का सा, और इसके अंदर डालूंगी मैं, खत्म हो गया था। और मैं मार्केट भी गई थी मैगू को लेकर डॉक्टर के पास, तो वहां से लाना भूल गई हूँ, दिमाग से उतर जाता कई बार। तो मैं अभी इसके अंदर ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ, ब्लैक वाला नमक मेरे पास है जो फास्ट में खाते हैं, तो मैंने वो डाल दिया। मैंने कहा चलो अभी काम तो चलाना ही है, क्योंकि मेरे पास वाइट वाला नहीं है। और मसाला वगैरह भी मैं कुछ नहीं डालूंगी इसके अंदर, क्योंकि ऐसे ही बनाऊंगी बिना मसाले के और बिना हरी मिर्ची के, क्योंकि मैगू खाएगी तो वो वैसे भी नहीं खाती है हरी मिर्च, और मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी अभी। स्टार्ट। ये तवा गरम हो गया है परांठे बनाने के लिए, और ये है हमारी आलू की पिट्ठी। ओके, और ये एक साइड बन रही है चाय, मैगू और मैं लेंगे, मैगू के पापा नहीं पियेंगे क्योंकि उनको भी बुखार है, तो उनका मन नहीं कर रहा है चाय पीने को। और ये मैं अभी परांठे के लिए लोई ली थी, थोड़ा सा इसको बेल लेती हूँ, और इस पे लगाऊंगी अब मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल हल्का सा, और फिर हम इसमें डालेंगे आलू। थोड़े ज़्यादा डाल देती हूँ, मैगू को थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर हम इसको ऐसे उठाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और हम इसको कर देंगे बंद ऐसे। मैं इस पर लगाऊंगी अभी सूखा भी, इसको बेलेंगे हम हल्के हाथों से, क्योंकि कई बार निकल जाते हैं आलू, लेकिन ये आलू अच्छे हैं। और ये मैंने तवे पे डाल दिया है हमारा परांठा, और अब हम रिफाइंड ऑयल लगा देंगे, बस अब इसको सिकने देते हैं। और एक साइड हमारी चाय बन गई है, उसमें मैं डाल देती हूँ अभी दूध। मैं चाय में डाल देती हूँ दूध, इसको हम पलट देंगे अभी परांठे को, साइड से ऑयल लगा देंगे। गो। और ये मैगी में ना गलती से उसका हाथ लग गया, नीचे वो गिर गया, जिसमें स्पून वगैरह लगते हैं ना, जो स्पून स्टैंड होता है वो नीचे गिर गया है, तो सॉरी उसके लिए। बस हम अब इसको सिकने देंगे अच्छे से,
और ये परांठा है मैगू का। मैगी के पापा को भी परसों से फीवर आ रहा है और मैगू को भी। और गाइस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आजकल का जो वेदर चल रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, तो अपना ध्यान रखिए और अपना थोड़ा सा मतलब बच के रहिए, क्योंकि आजकल वायरल फीवर बहुत चल रहा है। और अपना ध्यान रखिए बस। ये देखिए हल्का हल्का हमारे यहाँ से देखना सीखना स्टार्ट हो गया है। बस इसको हम थोड़ा सा क्रिस्पी होने देंगे और फिर मैं चाय के साथ मैगी ले। ये ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ें डलवा के नहीं खाती है, सिंपल सा ही खाती है, तो मैं सिंपल सा ही बना रही हूँ। आज बहुत दिनों बाद, कम से कम 2-3 महीने बाद परांठा बना होगा, क्योंकि हम परांठा बहुत कम ही बनाते हैं। मीन्स आलू का नॉर्मल परांठा तो बनाते हैं जैसे लंच वगैरह के लिए, बट आलू का परांठा आज काफ़ी मतलब तो 2 महीने बाद एटलीस्ट बन रहा है। और ये हमारी चाय में बॉयल आ गया है, हमारी चाय भी रेडी है। बस मैं अभी मैगी को सर्व कर देती हूँ और ये हमारा बन रहा है दूसरा परांठा। इतना ये सीखेगा। और ये मैगी के लिए मैंने बनाया है, सूखा सूखा ही बनाया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया, आलू का परांठा और साथ में है चाय। और मन तो उसका ऐसे ही कर रहा है, मैंने कहा बेटा थोड़ा खा लो, और आप सब भी आ जाइए और आप सब भी खा लीजिए आलू का परांठा और साथ में चाय गर्मा गर्म। ये फर्स्ट बाइट मैं खिलाऊंगी अपने बच्चे को, अपने मैगू को। बहुत ही टेस्टी है। और हम थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे, मैगू को भी मिलवाऊंगी, ठीक है? ओके। और मैंने ये दोपहर के लिए चने भिगो लिए हैं, मैं रात को भिगोना भूल गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो नाश्ता किया है, अभी 3-4 घंटे हैं तो थोड़ा सा भीग जाएंगे, तो बस अभी इन्हें रख देते हैं और दोपहर को फिर। ये हम वैसे भी बॉयल करके वैसे भी खाते हैं तो वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, और अगर सब्जी का मन करा तो सब्जी बना देंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? हैप्पी संडे। और आज तारीख है 12 तारीख है, और आप सबको हैप्पी संडे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परसों जो मैं स्कूल से मतलब स्कूल में गई थी सुबह, तो ठीक थी, हेडेक था बट इतना नहीं था। और बट लंच टाइम तक ब्रेक तक हाफ डे में बहुत तबीयत खराब हो गई थी, बीपी बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था, तो मैं छुट्टी लेके हाफ डे लेके घर आ गई थी। और उस दिन मैगी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन रात को मैगी को भी बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, और सुबह तक तो इतना तेज़ हो गया, इसको 102 बुखार था। फिर मैंने कल इसको डॉक्टर के दिखाया, बस ऐसे ही हो रहा है, फीवर उतर जाता है फिर चढ़ जाता है। अब ठीक है, तो सुबह से मैं आपसे अभी मिली हूँ। और चलिए, और मैं अब मैगी के पापा को भी फीवर है, मेरे ख्याल से वायरल ही आजकल चल रहे हैं, वेदर चेंज हो रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी अपना ध्यान रखो और ध्यान से रहो, बच्चों का भी ध्यान रखो, अपना मतलब सेफ्टी से पूरा रहो। और तो बस अब हमें भी डॉक्टर के जा रहे हैं दवाई लेने, और चलिए मैं आपको मैगी से मिलवाती हूँ। हेलो, कैसे हैं आप सब? अभी इसका फीवर ठीक है, अभी भी गर्म है और बस ऐसे ही उतर रहा है चढ़ रहा है, तो आज देखते हैं डॉक्टर से बात करते हैं, अगर ठीक रही तो ठीक है, नहीं तो फिर कल ब्लड टेस्ट करवाएंगे। और मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी, और बस चलो मिलती हूँ मैं, अभी डॉक्टर के जाना है, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय बाय।